एक संत ने कहा कि मैं दोपहर को लालटेन जलाकर आदमी खोज रहा हूँ। आदमी शहर वालों को बड़ी हैरानी हुई कि क्या मजाक है, ये दोपहर के धूप में ये लालटेन जलाकर आदमी खोज रहा है, क्या इतने सारे लोगों में आपको कोई आदमी नहीं दिखा, इतने लोग बैठे हुए हैं। संत ने कहा मुझे सकल से तो लग रहा है आदमी है, लेकिन अकल से आदमी कोई दिखा नहीं। कहा क्यों? कहा किसी को पूछता हो तो कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है सिख हूं, कोई कहता है ईसाई हूं, कोई कहता है बौद्ध हूं, और गहरे में जाता हूं कोई कहता है ब्राह्मण हूं, कोई कहता है क्षत्रिय हूं, कोई कहता है वैश्य हूं, कोई कहता है शूद्र हूं, अलग अलग जातियों का नाम बताता है। कोई कहता ही नहीं मैं इंसान हूं। जब कोई कहता ही नहीं मैं इंसान हूं तो मैं कैसे समझूं इंसान है, मैं कैसे समझूं आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। संत कहते हैं कि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। कोई भक्त मिलता है, कोई विद्वान मिलता है, कोई कवि मिलता है, कोई हिंदू मिलता है, कोई जैन, कोई सिख, कोई मुसलमान मिलता है, आदमी नहीं मिलता। संत कहते हैं पहले आप आदमी बन जाइए, और आदमी बनने का सूत्र यही है कि जिसके जीवन में सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, भक्ति है, वो आदमी है, वो सनातनी है, वो धार्मिक है। सनातनी होने का सबूत ये नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने वाला सनातनी ही होगा, मस्जिद जाने वाला धर्मात्मा ही होगा, ये कोई जरूरी तो नहीं। क्योंकि मंदिरों और मस्जिद के नाम पर बहुत सारे कुकर्म चलते हैं। अब तो जगह जगह मस्जिदों में बहुत सारे उटपटांग कार्य होते हैं, मंदिरों में लोग बैठकर जुआ खेलते हैं। जिन मंदिरों से प्रार्थना के स्वर सुनाई देते थे, उन मंदिरों में अब प्रार्थना के स्वर कहां सुनाई देते? वो प्रार्थना नहीं बाजे गाजे वाले, आध्यात्मिक प्रार्थनाएं जहां व्यक्ति बैठ करके प्रभु चिंतन करता था, आत्मचिंतन करता था, धर्म का चिंतन करता था। जो धार्मिक स्थल राष्ट्र निर्माण में सहायक न बन सका, जो धार्मिक स्थल मानवता के निर्माण में सहायक न बन सका, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए संतों ने कहा राम की भक्ति अगर जीवन में चाहिए, राम का प्रेम जीवन में चाहिए, तो सबसे पहले जीवन को पवित्र बनाइए। और मैं तो कहता हूं जिस दिन आपका हृदय पवित्र हो गया, आपका जीवन ही राम का मंदिर बन जाएगा, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन जाएगा। एक बार अपने गांव को अयोध्या धाम तो बनाकर देखिए, लंका बनाने पर क्यों तुले हुए हैं आप? अपने घर को लंका मत बनाइए, अपने गाँव को लंका मत बनाइए, अपने गाँव को ही अयोध्या धाम बना दीजिए। हर व्यक्ति के भीतर राम का निवास होना चाहिए, हर व्यक्ति के भीतर लक्ष्मी का निवास होना चाहिए, हर हर माताओं के भीतर, हर नारी के भीतर माँ सीता का निवास होना चाहिए। आज आपके बच्चे किन्हें फॉलो करते हैं? क्रिकेटर को करते हैं, हीरो हीरोइन को करते हैं, वो जिन्हें फॉलो करते हैं, जिन्हें आइकन मानते हैं, जिन्हें आइडल मानते हैं, परिवर्तित करिए, संस्कार दीजिए बढ़िया, उन्हें सिखाइए कि राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुम्हारे असली हीरो हैं, ये असली नायक हैं, भगत सिंह असली नायक हैं, चंद्रशेखर आजाद असली नायक हैं, नेताजी सुभाष असली नायक हैं, लक्ष्मीबाई नायिका हैं, इन्हें जीवन में धारण करो। ये जो नचनिया गवनिया वाले हैं, ये जो बॉलीवुड वाले, ये तुम्हारे जीवन को नरक बनाने वाले हैं, इन्हें अपना आइकन मत बनाने दीजिए, इन्हें अपना आदर्श मत बनने दीजिए। ये नाचने गाने वाले जो आपके जीवन में नरक बना रहे हैं, आपके समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, इनसे दूरी बनाइए। लेकिन बचपन में बच्चे टीवी देखते हैं, माता पिता ताली बजाते हैं, वाह मेरा बेटा तो हीरो हीरोइन को जानने लगा,
ये अनर्थ से अगर बचना है इसीलिए कथा है। संतों का आगमन क्यों होता है? संत का आगमन सहज नहीं होता, साधारण नहीं होता। आप सोचते हैं बोले और आ गए, ऐसा नहीं होता। संत जब भी आते हैं कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि एक परिवर्तन आना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, समाज में एक समाज को एक दिशा मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को एक संस्कार मिलना चाहिए, तो टूटे हुए दिल जुड़ जाना चाहिए, तो बिखरे हुए परिवार एक रास्ते पर मिल जाना चाहिए, तो बिखरा हुआ पड़ोसी मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहां है? तो संत की सेवा और संत का आगमन साधारण नहीं है। जब संत की सेवा आप देखते हैं, जब वशिष्ठ जी आते थे श्री राम स्वयं खड़े हो जाते थे। संत साधारण नहीं होते। और राम जी ने माता शबरी को भी यही संदेश दिया था। जब माता शबरी के पास राम जी गए तो राम जी ने कहा, माता मैं आ गया, कुछ मांगना है मांग लो। माता शबरी फटी हुई साड़ी में, टूटी हुई झोपड़ी में, कहे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता है आज के लोग होते कहते 10 मिनट का समय दीजिए, लिस्ट बना लेते हैं, मांग ही लेते हैं। थोड़ा मौका तो दीजिए राम जी, हड़बड़ी में आए हैं। दिल्ली मुंबई कलकत्ता में फ्लैट ले लेते हैं, सोना चांदी ले लेते हैं, फार्चूनर ले लेते हैं, BMW ले लेते हैं, एप्पल के फोन ले लेते हैं, पूरा लिस्ट बनाते हैं। माता शबरी कहती है प्रभु कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा मेरा आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो लेना पड़ेगा। माता शबरी ने कहा अगर इतनी ही कृपा है तो इतनी कृपा कर दीजिए, अगर इतना ही आशीर्वाद आपका है तो इतनी ही कृपा है तो बस इतना सा ज्ञान मुझे दे दीजिए, भक्ति आपके चरणों से कभी टूटे नहीं, मेरी भक्ति आपके चरणों में बनी रहे, मेरा प्रेम आपके चरणों में बनी रहे, प्रभु इतनी ही कृपा करना। और तब राम जी ने नवधा भक्ति का संदेश दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने ये नहीं कहा कि प्रथम मेरी भक्ति करना, उन्होंने कहा प्रथम भक्ति यह है कि संतों का संग करना। संतों के संग करोगे तो राम क्या है वो बता देंगे। रमन्ते योगिना यस्मिन इति रामा। राम स्वयं कहते हैं कि जो हर घट में रमन कर रहा है वही राम है। मैं तो हर जगह हूं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब आप अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के साथ देखना चाहते हैं, अपने जीवन में दिव्यता देखना चाहते हैं, संतों से जुड़ जाइए। सच्चे संतों से जिस दिन आप जुड़ेंगे आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। वरना कमाना खाना तो जन्मों से हो रहा है। आंखें बंद होगी बच्चे पहुंचा देंगे मरघट, और जब मरघट में आप पड़े होंगे आप मृत्यु से पूछेंगे किसने मुझे लाकर यहां छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा वही बेटे तुम्हें अंधेरे में ले जाके छोड़ दिया और मुंह में आग लगा के जला दिया, स्वाहा, अब दोबारा कभी आ नहीं सकेंगे। तो जिस धन को कमाने में जिंदगी लगा दी, उस धन को यदि संत की सेवा में नहीं लगाया, राष्ट्र की सेवा में नहीं लगाया, समझना गया सब काम से। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, ये सत्संग वो धन है। अगर ये कमा लिया, ये जीवन में धारण कर लिया, ये कभी घटेगा नहीं। इसलिए संतों ने कहा है, लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले, कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सद में झेल चुके, तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए,
लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। संतों ने कहा ये जीवन थोड़ा है, उस पार न जाने क्या पाए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मृत्यु के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या पाएंगे किसी को पता नहीं, कौन सा जन्म मिलेगा किसी को पता नहीं, वो हाथ में नहीं है, पर इस पार तो सब कुछ हार चले।